घंटे लेट पहुंची ट्रेन, यात्रियों ने ताली बजाकर किया स्वागत। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। उन्नाव में पुलिस की वर्दी का रौब दिखाता दिखा इंस्पेक्टर। टिकट मांगने पर रोडवेज बस के कंडक्टर को धमकाया। इंस्पेक्टर की गुंडई पर अन्य यात्रियों का फूटा गुस्सा। सब्जी की तरह गांव गांव घूमकर शराब बेच रहा व्यक्ति। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। लखनऊ में सिंचाई विभाग के आवासीय परिसर में चला बुलडोजर। कर्मचारियों ने आवासीय परिसर में किया था कब्जा। ताड़ी बहन के खिलाफ पासी समाज का प्रदर्शन। पुलिस से हुआ टकराव, जमकर चले पत्थर और लाठियां। कानपुर में फरार सिपा विधायक इरफान सोलंकी की बढ़ी मुश्किलें। पुलिस ने ग्वाल टोली थाने में दर्ज किया धोखाधड़ी का मुकदमा। सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ने का भी मामला आया सामने। अलीगढ़ के नगला पटवारी क्षेत्र में नगर निगम के ठेकेदार कर रहे अपनी मनमानी। 15 दिन से गली का रास्ता ब्लॉक किया है। आने जाने वाले लोगों को हो रही है परेशानी। ममता बनर्जी ने नाव चलाकर किया गांव का दौरा। वीडियो उत्तर 24 परगना इलाके का। रोडवेज बस चालक की लापरवाही कैमरे में कैद। मोबाइल से बात करते एक हाथ से चला रहा बस। यात्री ने बस चालक का वीडियो किया वायरल। सीतापुर से लखनऊ जा रही थी रोडवेज बस। बुलंदशहर में अवैध खनन करने वालों पर पुलिस का शिकंजा। एसडीएम और एसएसपी अनुकृति शर्मा ने मारा छापा। अवैध खनन करते 2 जेसीबी मशीन, 3 डंपर जब्त। खनन माफियाओं पर एफआईआर दर्ज करने के दिए निर्देश। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।